दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रोहित बाजी। और आज हम निकले हैं बेताल घाट के लिए, और पीछे देख रहे हैं आप दो हीरो बैठे हैं हमारे साथ, महेश भाई और अब्बू भाई। ये महेश भाई हमारे फ्लूटिस्ट हैं उत्तराखंड के, बहुत अच्छे, और अब्बू भाई को तो सब जानते ही है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि उन्हें हर एक घंटे में खाना खाना होता है। वो तो सबको पता चल चुका है। और ये है मैडम रंजना। हेलो गाइस, और आज की जर्नी रहेगी म्यूजिकल। हाँ, आज महेश भाई आपको बढ़िया बढ़िया फ्लूट पे गाने सुनाएंगे रास्ते भर। और ये एक अपील और है कि 10,000 सब्सक्राइबर के करीब है, 7,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो जो देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने किया है उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर्स कर दीजिए रोहित बाजी में, और बाकी जर्नी दिखाते हैं आज। चलिए बाय बाय। दोस्तों आज धुंध देख रहे हैं आप कि कितनी भयंकर धुंध हो रही है, और अबू भाई को बहुत अच्छा लग रहा है, मगर चलाने वाले को पता है कि वो कैसे चला पा रहा है। मैं चलाऊं? नहीं अबू भाई, हमें थोड़ा सा सही सलामत भी जाना होता है। और ये अबू भाई का चश्मा और महेश भाई का चश्मा देख सकते हो तुम। ये हमने महेश भाई एक बार अपने जुल्फे भी दिखा दो, अदला बदली की हमने, अदला बदली की। ये महेश भाई की खतरनाक। महेश मुझे आज बोल रहा था कि मेरे को ना कटिंग करानी है। मैंने कहा भाई तुझे फिर कौन पहचानेगा कि तू फ्लूट वाला है, जब तक बाल ऐसे बड़े बड़े ना हो तब तक पता नहीं लगता कि मेरे को बोल रहा क्या बोल रहा है को बोल रहा जो बंदा जर्मनी जा रहा। और महेश भाई हमारे जो है ये बाहर के टूर इनके बहुत रहते हैं, फ्लूट के लिए जाते रहते हैं। अभी कहाँ गए थे भाई लास्ट? जर्मनी गए थे ना आप? जर्मनी में इनका शो था और बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं। अभी शो में आपको मैं दिखाऊंगा, शो में क्या अभी भी बजाएंगे थोड़ा सा, अभी जरा सुबह ठंड लग रही है ना उनकी उंगलियों और को, तो महेश भाई अभी कुछ सुनाओगे? सुना देंगे, कुछ सुना दो यार बढ़िया सी। जैसे कि आपने सुना महेश भाई ने इतना बढ़िया माहौल बना दिया अभी सुबह सुबह, और अभी और भी पहाड़ी गीत भी बहुत सारे सुनाने वाले हैं फ्लूट में, और इसकी पेमेंट उन्हें अबू भाई अलग से देने वाले हैं। सुनो, इसके बाद हम इसको हरिद्वार बस स्टैंड में उतार देंगे, वहां से बोलेंगे तुम अपने आप जाओ हरिद्वार तक, जितने गाने बज गए उसके बाद तुम बस से जाओ बस। क्यों महेश? तो गाइस ऐसी और बढ़िया बढ़िया सुनाते रहेंगे बीच बीच में। तो दोस्तों अभी तक आपने एक बढ़िया सा एक भक्तिमय माहौल सुना था हमारे महेश जी के द्वारा, अब एक पहाड़ी गाना जो कि आप सबने बहुत अच्छे से सुना हुआ है और बहुत ही सुंदर गाना है वो, तो वो अब आपको फ्लूट में सुनाएंगे। आइए महेश भाई। नहीं अब भाई आप शांत रहिए। Thank you.
आपने हमारे महेश भाई ने हेजी सारियों माँ बजाया, जो बहुत ही एक सुंदर गीत है और आप सबने भली भांति सुना हुआ है। तो महेश भाई बहुत मजा आ गया, थैंक यू। और ऐसे ही सफर म्यूजिकली रहेगा तो सफर कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा हमें। और हमारे साथ अब्बू जी भी हैं ही, जिन्हें हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो अभी टाइम हो गया, वैसे टाइम तो हो गया, सुबह की डोज तो चाहिए आपको। चाय और फैन? नहीं यार, फैन नहीं। चाय, फैन, रस, मट्ठी, क्या गरीब वाला समझो। चाय, फैन, सीधा छोले भटूरे। यो बिल्कुल, देखते हैं क्या कहाँ हम लोग रुकते हैं, वहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। घर रुकती है 15-20 मिनट लगा। ऐसा ही अबू भाई के खाने की बातें होती रहेगी और मिलते रहेंगे। बोलो हरी के हरिद्वार की जय। तो गाइस हम पहुंच गए अभी हरिद्वार और आज काफी, अरे भीड़ क्यों लग रही है? वो है उधर हरिद्वार से अभी हम निकल गए हैं और आज हम जा रहे हैं, फिर से बता दूं, बेताल घाट। बेताल घाट बेताल घाट बेताल घाट की बेताल घाट और रंजना को हम काशीपुर छोड़ेंगे और फिर हम तीनों जाएंगे बेताल घाट। अबू भाई की हंसी देखो, बेताल घाट गलत बोल दिया तो मैंने। तो अबू भाई को देख लो आप, रोहित ऐसे ही बोलता रहता है, देखो ना। अब पता क्या, आपको पता है 2 घंटे हो चुके लेकिन उसके अभी तक मेरे को कुछ नहीं खिलाया है और वैसे ही बोलता रहता आप लोगों के सामने कि अबू भाई का ख्याल रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। देखना रोहित, 2 घंटे से ऊपर हो गए तो कुछ नहीं खिलाया। अरे मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा मिल जाए ना, आपके लाइक का, आपके ब्रांड टाइप का ना। तो आप छोटी जगह एक तो खाते नहीं हो, कहीं ऐसे देखना पड़ेगा अच्छी जगह के पड़ोस में, कहीं ऐसे लगी हो जो बेचारा पसीने से बिल्कुल तर बतर हो गए बना रहा हूँ। रिश्तेदार भी आ रखे हैं ऊपर लेना पे कि लेफ्ट? नहीं नहीं नीचे, ऊपर तो दिल्ली पहुंच जाएंगे भाई। ठीक है, दिल्ली पहुंच जाए तो उसमें अट्रैक्ट, कल आज जो है कल वाला शो कर लेते हैं। और 23 को गाइस, 23 को अपना गाजियाबाद में फिर से है। आई बना ब्लॉग उसका ब्लॉग अलग बनेगा, मगर बता दूं कि 23 तारीख को अपना लोनी में शो है और उसका भी पोस्टर इंस्टाग्राम वगैरह में हर जगह डाल दिया है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, जो अपने फिर से दिल्ली NCR वाले दो दोस्त हैं वो आ सकते हैं, जिनको अच्छा लगा हो परसों प्रताप विहार वाला प्रोग्राम तो वो ज़रूर आना फिर से। बाकी अभी हम जा रहे बेताल घाट और बेताल घाट में मस्ती करने और शो करने और अबू भाई को खाना खिलाने। जैसा कि अभी मैं बात कर ही रहा था भूख को लेके, तो अबू भाई को भूख लगी चुकी है और हम यहाँ उतर गए हैं। अभी चंडी पुल में हैं हम हरिद्वार और खस्ता कचौड़ी की एक शॉप दिखी तो वहाँ खाने जा रहे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ जरा अबू भाई को। खाने की बात हो ही रही थी तो अबू भाई क्या कहना चाहेंगे, हम रुक चुके हैं फाइनली और खस्ता कचौड़ी खा रहे हैं हम लोग। इतना खुश क्यों हुआ? चलो कोई नहीं, खा ले तू। महेश भाई, अबू भाई को जैसा आपने देख ही लिया। हाँ, अब तो गाड़ी रुकाई दी रोहित भाई ने, अब खाओ आराम से, खाने की तैयारी हो गई। देखो चाय भी बनवा चुके हैं, बाढ़ पड़ने का नाटक कर रहे हैं। कुछ पढ़ नहीं रहे, आज तक कभी नहीं पढ़ा और आज अखबार पढ़ने की इन्हें, आज अखबार पढ़ने को याद आ गया अबू भाई को। क्या पढ़ रहे अबू भाई, कुछ खबरें? ये इंडिया जो युवा ब्रिगेड ने तोड़ा कंगारू का। चलिए गाइस खस्ता कचौड़ी खाते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से चाय और फिर मिलते हैं जल्दी से गाइस। ये मिलियन डॉलर रेसिपी है, रंजना की फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं जब आगरा रहती थी ना तो हम लोग हमेशा, मतलब जब हमारे गेस्ट आते थे सैटरडे संडे सिर्फ भेड़ ही कचौड़ी और जलेबी, और ये बहुत टेस्टी। और ये एक और खुश आदमी को देख सकते हैं, आदमी नहीं सॉरी लड़का, मैंने गलती से आदमी बोल दिया। कौन है महेश भाई? चाय लो जिसे लेने, चाय लो जिसे लेने। तो दोस्तों अपनी खस्ता कचौड़ी खा के निकल चुकी है टीम हमारी और अबू भाई एज यूजुअल फोन में बिजी है, जो उनका खिलसाने का काम है ही हमेशा का, वो चल ही रहा है निरंतर, क्योंकि उनके फ़ोन इतने आते हैं, उनके अभी तक कम से कम 10 से 12 कॉल आ चुकी है और हमें 1 घंटा हुआ है निकले हुए इतने में।
अबू भाई की ये खासियत है और इसलिए हमें किलस को मचती है अबू भाई से। वो काम के नहीं, अबू भाई को लड़कियों पे बहुत कॉल आ रहे हैं आजकल। इतना बड़ा झूठ, पता नहीं क्यों। अबू भाई की शादी मैंने पिछले व्लॉग में शायद दिखा नहीं पाया था कि दिखा दिया था कि शादी होगी नहीं, कि जो जो अबू भाई के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अरे यार, और अबू भाई की डिमांड बाद में हम पूछेंगे, बट जो भी लड़की शादी के लिए इच्छुक होगी, जो शादी आजकल अपने लिए लड़के ढूंढ रही होंगी, लड़का ढूंढ रही होगी, तो अबू भाई को आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सारी डिटेल्स दे दो और हम भी उन्हें रिवर्ट कर देंगे जन्म पत्री वगैरह। अबू भाई की सारी बता दो ना, दिन बार डेट ऑफ बर्थ जन्म सब बता दो अबू भाई। वो पहले लड़कियों की तो आई डिटेल्स, तब अबू भाई अपने बारे में बताएंगे ना। वो कह रहे मैं ऐसे ही फ्री में नहीं बता सकता, आना और कमेंट में जरूर लिखना सारे की जिसको भी जो भी लड़का ढूंढ रहे हैं लड़कियाँ, या जिनके भी घर परिवार में लड़कियाँ लड़के ढूंढ रही है लड़का ढूंढ रहे, तो अबू भाई से संपर्क कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। महेश भाई, अच्छा हाँ, एक और खबर, एक और चीज, अबू भाई का तो है ही और महेश भाई के लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए भी बता सकते हैं। देखो लड़की को बोर नहीं होने देंगे, बांसुरी सुना सुना के, मनमोहक बांसुरी सुना के हमारे श्री कृष्ण राधा को ढूंढते रहेंगे और राधा का मनोरंजन करते रहेंगे। तो महेश भाई के लिए भी हम लड़की ढूंढ रहे हैं, तो कृपया उस चीज पर भी गौर किया जाए। तो अगर कोई दो बहनें हो एक साथ तो और भी अच्छा है ना। चलो फिर तो दोनों मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों हम अभी पहुंचने वाले हैं काशीपुर और वहाँ पे थोड़ा हम खाएंगे पियेंगे रंजना के घर पे, फिर वहाँ से होके निकलेंगे। तो काशीपुर पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा ही रह गया, तो तब तक सोचा कुछ म्यूजिकल सुनाते हैं। महेश भाई भी बोर हो गए थे और अबू भाई को भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कुछ सुनाते हैं, क्यों अबू भाई? बिल्कुल। तो चलो आपको एक अपना गाना सुनाता हूँ। लाल तेरी उठुड़िया बाकी देखने के तोरी, पिंगली तू बैठी जांदी कड़ी तू जवाने सुल सुले, उखड़ी तेरी चांद जैसी आछी लागो खिल खिलिया तेरी हसी, नंद रे तू जियो दी बसी आछी लागो मुले मुले तेरी सोना चांदी रे झुमका टूटे टूटे लोहरी की, और दिया बोलनी रे बाटनी तू न अब मैं त्यां छोड़नी कसी आछी लागो खिल खिलिया तेरी हसी, अब मैं त्यां छोड़नी कसी आछी लागो खिल खिलिया तेरी हंसी। ओह आई होप आप सबको पसंद आई होगी हमारी ये छोटी सी परफॉर्मेंस क्या, जाते जाते मजे करते हुए जा रहे हैं बस। तो हमने सोचा क्यों ना ब्लॉग में भी थोड़ा सा म्यूजिक डाला जाए, तो सोचा ये करते हैं, बाकी काशीपुर पहुंचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अभी काशीपुर, यहाँ अबू भाई के 1.5 घंटे पूरे हो गए हैं, सॉरी 2.5-4 घंटे हो गए। भाई आधे रास्ते में खाया भी तो था। क्या खाया? खाया था। अच्छा, तो अभी जो 2 घंटे की जो हमारी अबू भाई की वैलिडिटी थी वो हो चुकी है, तो अब हम रंजना के घर आए हैं, तो यहाँ पे हम सवाले खा रहे हैं जैसे मैंने पहले भी एक ब्लॉग में दिखाया था, और एक बार ही इन्हें देख लो बस। खुश देखो, ये तो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। ये रहे सवाले, और अबू भाई से रुका भी नहीं जा रहा यार, क्या आदमी नहीं सॉरी लड़का। अबे ये भी रिकॉर्ड होगी। हाँ भाई, क्या बोलना है भाई आपको? अब भाई क्या बोलना है आपको? अब भाई
बढ़िया हो रहा नाश्ता है? लंच बढ़िया हो रहा है? लंच बहुत टेस्टी बना हुआ, बहुत टेस्टी बना हुआ। कितना खा लिया? कितना खा लिया? ये दूसरा है, वो तो हमने दिखाया नहीं। अबू भाई के लिए पेस्ट्री, और अबू भाई छुप गए। अबू भाई इन्होंने मुझे बदनाम करेगा लोग। खाना खाने के बाद चॉकलेट की डिमांड, पता क्या मुझे महेश ने लास्ट में दी, थोड़ी सी बची थी देख लो। नहीं महेश, ये महेश भैया की भी आपने खाई है, जनता को बहकाओ मत। ये देखो, ये देखो, जो इतनी सी बची थी वो खा रहा हूँ मैं यार, बताओ। नहीं नहीं, नहीं ये पूरा पैकेट था, और दो खाए उन्होंने आपने। मैं खाता नहीं ज्यादा, पता मैं डाइटिंग करता हूँ। तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं काशीपुर से, रजना को छोड़ दिया है, और अब हम निकल गए हैं कहाँ के लिए? बेताल घाट। यस। तो दोस्तों अभी हम रामनगर क्रॉस हुए थोड़ी देर पहले, गर्जिया में मम्मी लोग सब लोग मिल भी गए थे, और महेश जी छुप छुप के देख रहे हैं, और हमारे साथ हमारे एक और साथी अनुराग भाई आ चुके हैं। हेलो। और अनुराग भाई हमारे रिदमिस्ट है, तबला प्लेयर हैं, उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट तबला प्लेयर, और हमारी एल्बम्स में भी इन्हीं का तबला आप सुनते हैं काफी सारी एल्बमों में। तो बेताल घाट के लिए निकल गए हैं, और अबू भाई के कितने घंटे हो गए? दो से ऊपर हो गया। दो तो नहीं हुए गए, बेताल घाट ही पहुंचेंगे। हाँ, बेताल घाट में करेंगे शाम चार बजे, तो एक डेढ़ घंटे में भाई के लिए हम वही देखेंगे, और क्योंकि अबू भाई की चिंता हमें ज्यादा रहती है, और महेश जी की बांसुरी भी आप लोगों ने सुनी ली थी, और एक दो चीजें मैंने शुरुआत में आपको बताई है कि दोनों के लिए लड़कियां ढूंढनी है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को ना? ठीक है, ये इस टाइम नेटवर्क महेश भाई को जरा क्लोज ले जाना। महेश भाई क्या बोला था आपने, दोबारा बोलो। आपको लड़की आपके लिए ढूंढ रहे थे, आपने बोला था शादी के लिए, तो उसके लिए हमें लड़की। अबे यार क्या शादी नहीं करोगे? मना कर दो, देख लो यूट्यूब में हमेशा रहेगी, तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगा मैं। ये मना करते हैं तो शादी नहीं करूँ। ये बंदा ने मना किया, ये बंदा मेरे को बोल रहा है, जो बंदा। चलो गाइस फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं कहाँ? बेताल घाट। और अबू भाई की स्माइल से आप समझ सकते हैं कि हम बहुत प्यारी जगह पे हैं, और बहुत ही बढ़िया यहाँ जगह पे हम रुके हैं। ये सब कल की तैयारियाँ चलते हुए, और इस तरफ स्टेज अच्छा है, ठंडा बहुत अच्छा है, इस तरफ स्टेज वगैरह सब प्रिपरेशन चल रही है अभी, और ठंडा भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने ज़्यादा सोचा था, बट अभी इतना तो हो नहीं रहा फिलहाल। बाकी आज पहुँचे हैं, कल शो पे मिलवाते हैं आपको फिर से, हैं है ना? तो बाय बाय, टेक केयर, और रोहित बाजी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब भाई की तरफ से भी बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।